नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ काम करने को तैयार हो गया है। सोमवार को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर के साथ बीसीसीआई के अधिकारियों की अहम बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले वर्ष बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष लगभग 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दर्ज किया था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने सोमवार को दावा किया कि पीसीबी ने विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद बीसीसीआई को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर की राशि दी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 23 मार्च से शुरू होने जा रहे आगामी सीजन के लिए चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में चेन्नई के चेपेक स्टेडियम में सीएसके ने एक प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें बल्लेबाज सुरेश रैना ने तूफानी पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स में शामिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का कहना है कि खिताब जीतने के लिए उनकी टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाजों को दमदार प्रदर्शन करना होगा। धवन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वनडे सीरीज के बाद दिल्ली की टीम से जुड़े। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बहुचर्चित मुकाबले पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ डेव रिचर्डसन को कोई खतरा नजर नहीं आता। रिचर्डसन ने कहा कि दोनों टीमें आईसीसी अनुबंध से बंधी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ये मिस्ट्री के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।